कान खोल के हटो सुन ले, आप किसी परिस्थिति में एक बित्ता जमीन आपको कुरो नहीं देना हो। हमने पुरखा में साफ कह लो कि बाहर एक लोग के दोना दी कोना नहीं दी है, आज हमने कोना दे दिले, आज अपनी को कि हमार लगो और नहीं लगो, कोई नक्सली लगे कोई अराजकता फैल में है, आज हम ही कहो कहो कि नहीं सही कि दोना दिए कोना नहीं दिए। अब कान खोल के सुन ले, एक कोना को पूरा नहीं दिए, पहाड़ बचाना हो, जंगल बचाना हो, जमीन बचाना हो, ताकि अगला हम निकला गए। जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। जनमन की बात में सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति और टूसु की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सूर्य का उत्तरायण आपके लिए शुभ हो, नई ऊर्जा मिले और आने वाला साल जो है आपके लिए बहुत अच्छा हो। आज बात करेंगे पारसनाथ पहाड़ पर जयराम महतो और उनके समर्थकों के जुटान की। बता दें कि 10 जनवरी को जहां पारसनाथ बचाओ महाजुटान हुआ था, उस समय भी जयराम महतो वहां गए थे, उन्हें मंच पर जगह भी मिली थी, लेकिन जब वे बोलने को खड़े हुए तो फिर उन्हें बोलने नहीं दिया गया। तो आज जयराम महतो पारसनाथ पहुंचे अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ, काफी बड़ा काफिला पहुंचा उनका, करेंगे इसकी बात। लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आते हो तो इन्हें लाइक और शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताते रहें कि मेरे वीडियोज आपको कैसे लग रहे हैं। तो बात कर रहे थे जयराम महतो की। जयराम महतो आज अपने सैकड़ों हजारों समर्थकों के साथ पारसनाथ पहाड़ पर पहुंचे और उन्होंने पारसनाथ पहाड़ पर चढ़ाई की। पूरे पहाड़ पर उनके समर्थकों के साथ वे गए, लेकिन पहाड़ पर चढ़ने के पहले जयराम महतो ने वहां पर मौजूद लोगों को और मीडिया कर्मियों को संबोधित किया और उन्होंने साफ कहा कि पारसनाथ पर सरकार एक तरफा निर्णय नहीं ले। उन्होंने केंद्र सरकार को कहा कि वो एक तरफा निर्णय नहीं ले। उन्होंने मुख्य धारा की मीडिया पर भी निशाना साधा और कहा कि मुख्य धारा का मीडिया सिर्फ एक पक्ष की बात को दिखा रहा है। जयराम महतो ने यह भी कहा कि हम जिस धर्म की आस्था पारसनाथ से जुड़ी है उसका सम्मान करते हैं, लेकिन ये पहाड़ हमारा है, इस पर हमारा हक है और ये राढ़ सभ्यता जो है उसका आदि बिंदु है, ये जयराम महतो का कहना है। तो उन्होंने कहा कि पहाड़ को हम बचाएंगे और क्योंकि ये पहाड़ हमारी धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सभी जरूरतों को पूरा करता है, हमारा आस्था का केंद्र है। 10 जनवरी को भी बता दें कि जयराम महतो वहां अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे, लेकिन जब से वो बोलने के लिए खड़े हुए तो कुछ विरोध हुआ, जिसके बाद जयराम महतो नहीं बोले और आज उन्होंने अपनी बातें कही, अपनी बातें सबके सामने रखी और अपने समर्थकों के साथ पहाड़ पर भी वो चढ़े। तो उन्होंने साफ कहा कि हमारे पूर्वज कह गए थे कि बाहरी आदमी जो आए उसको दोना जरूर दो, यानी उसको दोने में भोजन दो, खाना दो, लेकिन कोना मत दो, यानी रहने की जगह मत दो। और यही हुआ है पारसनाथ में, हमारे पूर्वजों ने रहने की जगह दे दी, अब वे पूरा पहाड़ मांग रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। तो आइए देखते हैं वीडियो में जयराम महतो ने क्या कहा है और उसके बाद कैसे वो समर्थकों के साथ पहाड़ पर चढ़ाई कर रहे हैं, तो देखते हैं वीडियो। सुने होंगे, एक बात सीधा सा बात है आपको कि जब से उनकी आस्था का आरंभ नहीं हुआ था तब से हमारा पारसनाथ में आस्था का केंद्र है और हमारे जो राढ़ सभ्यता में कहा भी गया है सीख शिखर नागपुर आधा आधी खड़गपुर, हमारी जो राढ़ संस्कृति है उसमें कहीं ना कहीं पारसनाथ का। उसके बाद आज जो लोग बात करते हैं, कभी आपने देखा है
आज जो लोग कहते हैं कि पहाड़ हमारा है, उन्हें बुलाइए और किसी पेड़ की पत्ती को, किसी पेड़ की किसी जड़ को दिखाइए और बोलिए इससे क्या लाभ होगा, क्या वो बता सकते हैं? हमारे गांव के किसी बूढ़े को, जो हमारे दादाजी नानाजी रिश्ता में लगते हैं, बुजुर्ग हैं, उनको दिखाइए, वो एक पत्ता को देखने के बाद बोल देंगे कि कटने में कौन काम आएगा, पेट दर्द में कौन काम आएगा और माथा दर्द में कौन काम आएगा। आप कहते हैं पारसनाथ आपका है, आप मने आस्था के नाम पर एकाधिकार करने की बात करते हैं, आपकी आस्था का सम्मान करते हैं, परिसर में ये नियम लागू हो, समस्त पहाड़ में इसलिए नहीं क्योंकि समस्त पहाड़ के बारे में आपको खुद जानकारी नहीं है कि पहाड़ में कई गो छोर है, कई गो गांव है और कितने प्रकार के जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। इसलिए और एक बात सीधा जानिएगा, अगर ये पहाड़ इन पर यदि हमारा अधिकार नहीं रहा तो एक दिन हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। आज लोग कहते हैं हमारा है, उनसे पूछिए कितना आंदोलन उन्होंने किया है जंगल बचाने के लिए, जमीन बचाने के लिए, कितना आंदोलन किया उन्होंने पहाड़ बचाने के लिए, कितना आंदोलन किया उन्होंने झारखंड अलग करने के लिए, और हम गिनाए क्या? हम गिनाए वीर टाँ से शुरू कीजिए, इतना मने लाश मिलेगा तो चाची डुमरी घूम के आइए जो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन हमारा गर्दन कटे हुए लोगों की संख्या खत्म नहीं होगी। इस पहाड़ को बचाने के लिए हमने स्पष्ट कहा है कि आज हमने जो तक परिचय दिया है, ये संदेश कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर, क्योंकि मीडिया हमारा जो नेशनल मीडिया है वो कभी हमारा सहयोग नहीं करेगा क्योंकि उनके लिए पता है झारखंड के लोग, ये लोग गंवार है, शैतान है, माने हमारे लिए उनके, हमारे जीवन को उनके पास कोई वैल्यू नहीं है, वरना आज तक रहे या कोई और चैनल रहे उसको दोनों पक्ष को दिखाना चाहिए था, उसे दोनों पक्ष का छापना चाहिए था, लेकिन आज एक पक्ष को छापा जा रहा है। तो इसलिए उन मीडिया वालों के लिए हमारे जीवन का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अंदर अंदर संदेश जाएगा आज केंद्र तक कि आप पारसनाथ के निर्णय में एक तरफा निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि और एक बात, जितने भी यहाँ खेतीहर लोग हैं, जो लोग खेती करते हैं, खासकर जो निमिया घाट के आसपास डुमरी के हिस्से में या फिर पीरटा टोपचाची के हिस्से में जो लोग खेती करते हैं, आप थोड़ा याद कीजिए, जब हम लोग का अगहन का महीना में खेती कंप्लीट होता था तो हम लोग अपना जो काड़ा गोरू था उसको जंगल में छोड़ के आते थे, याद होगा आपको? जब हम लोग का खेती हो जाता था जंगल में खरिहान करने के बाद हम लोग जंगल में छोड़ के आते थे और उसको फिर 4-5 महीना बाद जब हम लोग का सावन का महीना उससे 1 महीना पहले ही उतर जाता था या हम लोग उतारने जाते थे। पहाड़ से हमारा अस्तित्व है, इस पहाड़ से हमारा वजूद है, ये पहाड़ हमारे लिए रोजी रोजगार का साधन है, ये हमारी संस्कृति, ये हमारी सभ्यता, ये हमारी परंपरा, ये हमारी पहचान का साधन है। रेडियस का है दादा, ठीक है सभी शांति से जीवा और निवेदन रहता है कि महिला बुजुर्ग और बच्चा के ख्याल रखवा, जितना भी महिला सवाल है माए मौसी काकी जेठी अखनी के सुरक्षा देवा, छोटा छोटा बच्चा के लगे सुरक्षा देवा और बुजुर्ग तो अखनी के सुरक्षा देवा, तो सह खातिर देख पहाड़ में हमने केयर पीआर भेलुआ मिला है ना, समय में करील मिला है ना, करील मिलवे करे समय में केयर पीआर भेलुआ मिलवे करे है, हमने हॉस्पिटल बाद में पहले पहाड़ जाइए ना, हमने हॉस्पिटल बाद में पहले पहाड़ जाइए, कहे नहीं जड़ी बूटी पावा है यहाँ के पत्ता से, यहाँ के गाछ के छाल से पत्ता से मने तोड़ जाए के कोई फल से हमने औषधि बनवाई है, हमने दवा बनवाई है, अर्जेंट हमने के जीवन बचवे काम करा है, तो सह खाते देख ले आज, अगर पहला बात अभी तक तो पॉजिटिव मैसेज है, अभी तक सकारात्मक है, लेकिन गलती से भी अगर सरकार अगर एक तरफा निर्णय सुनेते तो याद रखिया, जल जमीन जंगल हो तबे हमनी है, जल जमीन जंगल हो तबे हमनी है। तो इस तरह से जयराम महतो ने आज पहाड़ पर अपने समर्थकों के साथ चढ़ाई की और एक तरह से उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया जो 10 जनवरी को उन्हें बोलने नहीं दिया गया था।
तो आज उन्होंने अपनी ताकत दिखाई है। लेकिन ये पहाड़, ये पवित्र पहाड़ जो जैन धर्म की आस्था का केंद्र है, स्थानीय आदिवासियों की आस्था का केंद्र है, अब ये राजनीति का अखाड़ा बनता जा रहा है। और अब ये दोनों धर्मों के समझदार लोगों के, शांति प्रिय लोगों का को चाहिए कि इस मामले को राजनीतिक रंग नहीं पकड़ने दे और मिलजुल कर इसका हल निकालें, क्योंकि ये सदियों से यह पहाड़ जो है वो दोनों धर्मों की आस्था का केंद्र रहा है। और आदिवासी हो या जैन, यहाँ आज तक कभी कुछ विवाद नहीं हुआ है। तो अगर किसी तरफ से किसी की भावना आहत हो रही है तो ये समाजों का काम है, ये समुदायों का काम है कि मिलजुल कर इसका हल निकाले, ताकि किसी की धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचे और सभी लोग अपने अपने धर्मों का और परंपराओं का पालन करते रहे, सबका सम्मान हो। लेकिन राजनीति आएगी इसमें तो फिर ये नहीं हो पाएगा। तो आदिवासियों की भी शंका जायज है, जिस तरह से उनको लगता है कि वहाँ पूरा का पूरा पहाड़ किसी ट्रस्ट को दे दिया जाएगा, तो उनकी शंकाओं का समाधान भी जरूरी है। और पहाड़ पर उनको भी अपनी पूजा का और अपने परंपराओं का पालन करने का उतना ही अधिकार है, यह विश्वास भी उनको दिलाना होगा। तो कुल मिलाकर यह मामला जो है फिलहाल एक दूसरे के शक्ति प्रदर्शन का और राजनीति का केंद्र बना हुआ है, लेकिन जरूरत इसे समझदारी से सुलझाने की है। अब देखना है कि इसको सुलझाने की पहल होती है या फिर ये एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह जाता है। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, धन्यवाद, नमस्कार।